हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एवेंजर्स जैसी मूवी एमसीयू के फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि एमसीयू के फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी। तो मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को और मुझे भी बताएं कि दी एवेंजर्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम वर्ल्ड वाइड में अच्छी कमाई की है और एमसीयू को और ऊपर लाए हैं एवेंजर्स की टीम अप मूवी ने। मतलब आरडीजे सर ने तो लेके आया था, लेकिन एवेंजर्स ने और ऊपर लाया है क्योंकि सब लोग को टीम अप मूवी बहुत अच्छी लगी थी। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि एवेंजर्स जैसी मूवी किसी को भी नहीं पसंद आती हो। यहाँ तक कि मैं मेरे घर पे भी दिखाता हूँ मेरे मॉम डैड को, तो वो लोग भी देखते हैं, उन्हें भी अच्छी लगती है बिना कोई प्रीवियस मूवी देखे हुए। सोचो अभी तो बहुत डिमांड है एवेंजर्स का। तो लोग का ये फालतू सा सवाल है कि फ्यूचर में एवेंजर्स जैसी मूवी आएगी कि नहीं आएगी, किसके ऊपर? उन लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम का टाइटल देख के मतलब ये सोचा है कि ये एंड गेम है, अब फ्यूचर में एवेंजर्स आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसे सवाल कैसे आ जाते दिमाग में, मुझे वो नहीं समझता है। और बहुत यूट्यूबर्स उसके ऊपर वीडियो भी बना देते हैं पहले, फिर उन लोग की वजह से और मतलब ये बढ़ती हाइप, तो बाकी लोग को भी बनाना पड़ता है, जैसे कि मुझे अब बनाना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये बात सबको पता है कि एक मूवी जब हिट जाती है और अच्छे खासे फैंस है उसके वर्ल्ड वाइड में, और वर्ल्ड वाइड में इतना अच्छा खासा नाम है उसका, तो कंपनी कैसे बंद कर सकती है वो मूवी को बनाना। हाँ, ये बात और है कि अच्छे खासे गैप में आएगी, यानी कि बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो लोग न्यू टीम को फॉर्म करेंगे, तो उसे लाने में जैसे कि दी एवेंजर्स को लाने में भी टाइम लगा था, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन को लाने में टाइम लगा था, तो अच्छे खासे टाइम में आएगी, ऐसा फटक से नहीं आएगी। और अब जो नेक्स्ट एवेंजर आएगी या फिर उसका जो भी टाइटल होगा, टाइटल मुझे तो नहीं पता है, कुछ अगर थियरी या रूमर मिलेगा तो मैं वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन उसका जो भी टाइटल होगा, अब ये भी नहीं पता कि एवेंजर्स ही टाइटल होगा, ग्रुप मूवीज आएगी, क्योंकि ये तो केविन फेगी ने खुद बोला था कि अब जो ग्रुप मूवीज आएगी वो एकदम डिफरेंट टीम होगी। अब डिफरेंट टीम से मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका मतलब क्या था डिफरेंट टीम, तो देखने में मज़ेदार होगा कि डिफरेंट टीम किस हिसाब से बोला है उन्होंने केविन फेगी सर ने। अगर आप लोगों के पास कुछ थियरी है, यानी कि ये जो केविन फेगी सर ने बोला है अब जो टीम अप मूवी आएगी वो थोड़ी डिफरेंट टीम होगी, जो टीम अप की मूवी होगी, तो इसको लेके कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मतलब किस तरीके से क्या डिफरेंट की बात कर रहे हैं वो कुछ आप लोगों को समझ रहा है तो मुझे बताइए। और दोस्तों, एवेंजर्स के आप भी फैन है, मैं भी फैन हूँ, छोटा बच्चा फैन है, बड़े लोग फैन है, तो ऐसा बन नहीं करेंगे। मैं जैसे कि बोला कि टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी ना हर बार अच्छी चीज़ मिल जाए लगातार, जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम एक ही मतलब स्टोरी थी, तो लगातार रिलीज करना पड़ा एक के बाद एक, मतलब एक साल का गैप रखा था उन लोगों ने, तो अब थोड़ी ना एक साल के बाद एक निकल रहे तो ज़रूरी है हर साल एक एक निकलना। अभी हम लोग की भी जो वीडियोस आती है थोड़ी ना एवेंजर्स के ऊपर ही आती है, मतलब चेंज होते रहते हैं, अलग अलग मूवीज़ पे वीडियो आती है, किसकी भी ले लो सेम थोड़ी ना आती है। कभी किसका वीडियो अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, मतलब आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर होगा लेकिन कभी उसकी वीडियो नहीं पसंद आती होगी, कभी आती होगी, कभी बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी, तो ऐसे सब चलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, अब जो एवेंजर्स की मूवी आएगी वो मेरे हिसाब से 2024 या 2025 तक आएगी मेरे हिसाब से, और जैसे ही कुछ कन्फर्मेशन मिलती है या फिर कुछ अपडेट्स या रूमर थियरी कुछ मिलती है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा आप लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है नेक्स्ट एवेंजर की मूवी कब तक आएगी, 2024, 2025, 2023, मुझे कमेंट करके बताएं। और जो मैंने डिफरेंट टीम वाली बात बोला था केविन फेगी सर की, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, आप लोग वीडियो में सुना करो जो मैं बोलता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ एवेंजर्स की मूवी बननी होगी, टीम अप मूवी आएगी, अब उसका नाम क्या होगा मुझे भी नहीं पता और किसी भी नहीं पता है, यानी कि केविन फेगी सर को ही पता होगा और जो टीम है उनके, बाकी और किसी को नहीं पता है कि मतलब कब तक रिलीज होगी, टाइटल क्या होगा, तो बस वेट कीजिए, मैं इतना ही बोलूँगा। और दोस्तों, आप लोग अगर एवेंजर्स जैसी मूवी देखना चाहते हो तो उसके पहले सोलो मूवीज़ तो देखो, तो आप लोगों को समझ में आएगा ना। बहुत लोग कोई कोई मूवीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं है, जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो सब भी देखो यार, एक बार देखने में किसका कुछ नहीं जाता है, एक बार तो देख ही लेना चाहिए आप लोगों को। और दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि एवेंजर्स के ऊपर कोई भी वीडियो बनाता है, अभी भी कोई बना रहेगा जो कि एवेंजर्स 5 का ये टाइटल होगा वो होगा, वो जो भी वीडियो लोग व्यूज़ के लिए बनाते हैं, मैं व्यूज़ के लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए बनाया, ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा था, और ये शायद मेरी ये आखिरी वीडियो होगी एवेंजर्स के ऊपर, क्योंकि अभी लंबे टाइम तक शायद कुछ मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो रूमर थियरी मिलेगा जो कि मैं कभी कभार बनाया करूँगा, आप लोगों की डिमांड के ऊपर है तो मैं बना दूंगा। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग एवेंजर्स करते हैं, हाँ सबको पसंद है एवेंजर्स, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं इसलिए बाकी यूट्यूबर्स एवेंजर्स को लेकर रह जाते हैं, खाली मूवी स्टॉक को छोड़ के, मूवी स्टॉक अलग अलग मूवीज़ के बारे में बताते हैं और मैं भी, लेकिन बाकी जितने भी यूट्यूबर्स है ज़्यादातर एवेंजर्स के ऊपर ही उन लोगों का ध्यान होता है कि कुछ लीक मिले, कुछ मिल जाए तो वो लोग बना दे वीडियो।
तो मैं आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा बाकी मूवीज पे भी ध्यान दो, बाकी मूवी पे भी डिमांड करो, एवेंजर्स आने वाली है, टेंशन मत लो। वैसे दोस्तों अब जो एवेंजर्स आएगी, जो भी उसका टाइटल होगा, उसमें ये देखना मजेदार होगा कि टीम में कौन कौन है। मुझे यही देखना है कि टीम में कौन कौन होगा और कितने जन होंगे, 5 जन होंगे, 6 जन होंगे, 10 जन होंगे, कितने जन होंगे, देखना मजेदार होगा। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जन को ऐड किया जाएगा, जैसे कि दी एवेंजर्स में थे शायद उतने जन ही होंगे या फिर थोड़े उससे ज़्यादा या कम होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी टीम अप मूवी थोड़ा मुश्किल होगा उन लोगों को भी बनाना। लेकिन गैप टाइम में बनाते तो बोल नहीं सकते, कुछ कुछ भी हो सकता है। MCU वो अब धीरे धीरे और ग्रो हो रहा है। अरे ग्रो हो क्या रहा है, ग्रो हो चुका है और मतलब ग्रो हो रहा है और बड़ा हो रहा है। तो सपोर्ट करो मार्वल इंडिया को भी आप लोग, और मार्वल स्टूडियोज को, जितने भी डिज्नी प्लस के सीरीज है सब लोग को सपोर्ट करो, मेरे को भी सपोर्ट करो, वीडियोस आते जाएगी। कमेंट करो और बताओ आप लोगों को क्या लगता है एवेंजर्स वाई के बारे में। और दोस्तों मैं वीडियो के एंड में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा वेट रखिए, मूवी आने वाली टीम अप की बहुत जल्द नहीं आएगी, टाइम लगेगा, हर अच्छी चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, आप लोगों को भी पता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिए। गाइस अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो मैंने भी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। MCU मास्टर मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।